सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह। तो हम लोग यहाँ पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस चैप्टर एनसीईआरटी का जो है एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी डिस्कशन रहेगा, और चूंकि जैसा कि पता है एनसीईआरटी से बाहर कुछ आने जाने वाला है नहीं, तो कंप्लीट एनसीईआरटी से क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो क्लास 11th में जीओसी वाले चैप्टर में दिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता और अपने से पढ़ने का मन नहीं करता, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कार्बन, हाइड्रोजन डिटेक्शन। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन। तो इसमें क्या करेंगे, हीटिंग विथ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यदि मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने पास, इसमें हमको डिटेक्ट करना है कि कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसको हीट कर देंगे कॉपर ऑक्साइड मिला के। तो इसमें क्या होगा, जो कार्बन होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस CO2 बना लेगा। अब ये जो CO2 बना, इसमें हम लोग लाइम वाटर पास करा देंगे, ठीक है, जिससे ये मिल्की कलर का हो जाएगा। अपने को पता ही है कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के प्रेजेंस में मिल्की टर्बुलेंस देता है। ठीक है, तो यदि मिल्की हो गया तो मतलब CO2 रिलीज हुआ है, CO2 रिलीज हुआ है मतलब कार्बन प्रेजेंट था, तो कार्बन का डिटेक्शन हो गया। उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन होगा वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर प्लस वाटर बना लेगा। अब वाटर को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो वाटर को जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डाल देंगे, तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि अपने को पता है, ये बात तो बिल्कुल पता है कि जो CuSO4.5H2O होता है ये किस कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। तो जब वाटर को हम लोग एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो उसमें डालेंगे तो डिटेक्ट हो जाएगा आराम से। तो ये हो गया, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं। अब दूसरा देखते हैं, पहला हो गया कार्बन हाइड्रोजन डिटेक्शन, दूसरा हो गया लेशियाग्नी टेस्ट। स्पेलिंग मत जाना। लेशियाग्नी टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन, इनके लिए होता है लेशियाग्नी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, फ्यूजन विथ लिक्विड सोडियम के साथ फ्यूजन करते हैं। तो देखो क्या होगा, यदि यदि जब इसको मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लिक्विड सोडियम के साथ फ्यूज करेंगे, तो यदि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो सोडियम के साथ क्या बना लेगा, NaCN। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही क्योंकि कार्बन का ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, सल्फर यदि प्रेजेंट होगा तो वो क्या बना लेगा, Na2S। फास्फोरस यदि प्रेजेंट होगा तो ये क्या बना लेगा, ये कोई कंपाउंड बना लेगा। हेलोजन यदि प्रेजेंट होगा तो यह क्या बना लेगा, सोडियम हैलाइड। ठीक है, और दूसरा यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट हैं, ये वाला इम्पोर्टेंट है, यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट हैं तो ये सोडियम के साथ क्या बना लेगा फ्यूज करने पे, ये बना लेगा NaSCN। ठीक है, तो ये हो गया लेशियाग्नी टेस्ट। अब इसमें एक एक का देखेंगे, पहले नाइट्रोजन का देखेंगे, फिर सल्फर का देखेंगे, फिर फास्फोरस का देखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन सल्फर का बोथ का देखेंगे, फिर हैलाइड का देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं सबसे पहला हो गया नाइट्रोजन टेस्ट। ठीक, नाइट्रोजन टेस्ट देखते हैं। नाइट्रोजन टेस्ट में देखो क्या होगा, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट था, इसको जब लिक्विड सोडियम के साथ फ्यूज कराए तो NaCN बन गया था। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहानी होगी, लेशियाग्नी एक्सट्रैक्ट को लेंगे, लेशियाग्नी एक्सट्रैक्ट में NaCN सोडियम साइनाइड होगा। अब लेशियाग्नी एक्सट्रैक्ट को रिएक्ट करा देंगे आयरन सल्फेट के साथ, FeSO4 के साथ, तो उसमें जो तुम्हारा NaCN होगा ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, कराएंगे हम लोग FeSO4 के साथ।
Fe(SO4) के साथ, और इसमें हल्का सा एसिड डाल देंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, NaCN रिएक्ट विथ Fe(SO4)। इसमें एसिड डाल देंगे हल्का सा, मान लो एसिड के तौर पे H2SO4 डाल दिए, तो ये क्या बना लेगा, Fe4। ये सब फार्मूला याद होना चाहिए, FeCN6, ठीक। और ये जो है कंपाउंड हमारा, ये पर्सियन ब्लू कलर का होता है, ये कंपाउंड पर्सियन ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो यदि पर्सियन ब्लू कंपाउंड हमें मिल गया तो मतलब हम कंफर्म हो जाएंगे कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है सल्फर टेस्ट। टेस्ट ऑफ सल्फर। अब हमारे लैसियागने में क्या बना था, Na2S बना था। देखो लैसियागने एक्सट्रैक्ट में Na2S बना था। अब ये Na2S, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं Na2S को हम रिएक्ट करा देते हैं लेड एसीटेट के साथ, लेड एसीटेट के साथ। ठीक है, ये क्या बना लेगा रिएक्ट करके, लेड सल्फाइड बना लेगा, PbS। ठीक है, ये क्या बना लेगा, लेड सल्फाइड, PbS। ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो पहला टेस्ट तो हम ये कर लेंगे। दूसरा टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, दूसरा टेस्ट हमारा हो गया Na2S को हम लोग रिएक्ट करा देंगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। ये होता है आपका सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड, सोडियम नाइट्रो प्रोसाइड के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा FeCN5NOS, ये कंपाउंड बन जाएगा और ये वायलेट कलर का होता है, ठीक ना, ये वायलेट कलर का होता है। तो ये कंपाउंड बन गया। तो यदि हमको लेड एसीटेट डालने के बाद यदि ब्लैक कलर मिलता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि लैसियागने एक्सट्रैक्ट में हमारे सल्फर था, तो हम कंफर्म हो जाएंगे जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें सल्फर प्रेजेंट था। यदि हमको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने के बाद लैसियागने एक्सट्रैक्ट में वायलेट कलर मिलता है तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे लैसियागने एक्सट्रैक्ट में सल्फर था, तो ओरिजिनल जो कंपाउंड था जिसको सोडियम के फ्यूजन के साथ रिएक्ट कराए थे उसमें सल्फर प्रेजेंट था। ठीक है, ये हो गया टेस्ट ऑफ सल्फर। अब देखो, अब यदि क्या हो गया, अब यदि नाइट्रोजन और सल्फर बोथ प्रेजेंट हो तो क्या सीन होगा। नाइट्रोजन सल्फर जब दोनों साथ में प्रेजेंट हो गए तो जैसा हम बताए थे सोडियम फ्यूजन के साथ रिएक्ट करने पे NaCN बनता है, ठीक है, ये कंपाउंड बनता है, ये हमारा लैसियागने में बनेगा। अब इसको यदि हम रिएक्ट कराएं भाई अपना पुराना रिएजेंट Fe(SO4) इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, तो NaCN जो हमारा पहला वाला रिएजेंट नहीं था, ये वाला नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए वही रिएजेंट होगा, नाइट्रोजन सल्फर साथ में हो तब टेस्ट करने के लिए NaCN को हम रिएक्ट करा देते हैं Fe(SO4) के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, H2SO4 ले लो। तो बनेगा क्या, बनेगा FeCN, ये ब्लड रेड कलर का होता है, ये ब्लड रेड कलर का होता है, ठीक है। तो अब फिर वही कहानी, समझ लो कि यदि ब्लड रेड कलर कंपाउंड हमको मिल जाता है FeSO4 के साथ, तो यानी लैसियागने सॉल्यूशन में NaCN रहा होगा, यानी ओरिजिनल कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
अब देखो अब कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको देखते हैं कि कंपाउंड हैविंग बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यदि नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हो तो जब लैसी आग्नेय में हम लेस सोडियम मेटल रखेंगे, सोडियम मेटल के साथ फ्यूज कराते हैं तो क्या होगा, Na NCS बनेगा, ठीक है। और यदि एक्सेस सोडियम मेटल, ये तो बनना ही था, ठीक है, ये तो बनना ही था, यदि नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट होते तो क्या बनता है, NaSCN ही बनता है, नाइट्रोजन सल्फर बोथ प्रेजेंट होते तो NaSCN ही बनता है, तो लेस सोडियम मेटल के साथ ये बनेगा। और ये वाला तो अपने को याद ही है कि इसको जब FeSO4, इसको जब FeSO4 H2SO4 से ट्रीट किए थे तो हमको क्या मिला था, ब्लड रेड कलर का कंपाउंड मिला था, ठीक है। ये दूसरी कहानी ये है कि यदि एक्सेस एक्सेस सोडियम मेटल के साथ लेसी अग्नि में ट्रीट कर देंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा ज्यादा सोडियम मेटल रहेगा तो ये कंपाउंड, क्योंकि मतलब अपने पास रिएक्टेंट सोडियम वाला ज्यादा है, सोडियम का रिएक्टेंट अपने पास ज्यादा है, तो उसमें जो नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड में प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये अपना अलग कंपाउंड बना लेगा, ये अपना अलग कंपाउंड बना लेगा, क्योंकि सोडियम की कमी तो है नहीं, तो क्या क्या बना लेंगे ये लोग, जो सल्फर होगा वो अपना Na2S बना लेगा और जो नाइट्रोजन होगा वो अपना NaCN बना लेगा। तो फिर भाई अपनी पुरानी वाली कहानी, कुछ है नहीं पुरानी वाली कहानी। अब सल्फर के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते थे, इसको लेड एसिटेट के साथ रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था, ब्लैक कलर का बनता था कंपाउंड PbS, ठीक है। और जब NaCN था तो इसको किसके साथ रिएक्ट कराते थे, वही FeSO4 H2SO4, FeSO4 H2SO4, तो इसमें कौन सा हमको मिल जाता था, इसमें हमको परसियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनता था, परसियन ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। अब आ जाओ टेस्ट ऑफ हेलोजन, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ हेलोजन, टेस्ट ऑफ हेलोजन क्या क्या हो गया, नाइट्रोजन लेस एग्नी टेस्ट में नाइट्रोजन टेस्ट हो गया, टेस्ट ऑफ सल्फर हो गया, और फिर अब हम लोग टेस्ट ऑफ हेलोजन देखने जा रहे हैं, नाइट्रोजन हो गया सल्फर हो गया दोनों का साथ में हो गया, फिर हेलोजन का देखेंगे, फिर फास्फोरस का लास्ट में देखेंगे। अब देखो हेलोजन का टेस्ट कैसे करना, देखो जब हेलोजन के टेस्ट में अपने को याद है कि जब लैसियागनेट जो हमारा मतलब कि जो कंपाउंड था जो उसको सोडियम के साथ फ्यूज कराए थे तो हमारा क्या बना था, सोडियम हेलाइड बना था। अच्छा ये हेलाइड क्या क्या हो सकता है, हेलाइड हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, हेलाइड ये हो सकता है। तो अब देखो अब हम लोग किए क्या, बेसिकली इसको ट्रीट कर दिए, इसको ट्रीट कर दिए AgNO3, एक्चुअली हमको सिल्वर का प्रोडक्ट कंपाउंड बनाना था विद प्रेजेंस ऑफ एसिड लाइक HNO3। तो ये तो तुम पढ़े ही हो कि जब सिल्वर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड कुछ बनेगा, ठीक है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अब देखो सिल्वर रहा होगा, यदि सिल्वर किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो AgCl बनाएगा, AgCl क्या देता है, व्हाइट PPT, ठीक है, ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा, AgBr, ठीक है, ये क्या देता है, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट। आयोडीन होता तो क्या बनाता, AgI, ये क्या देगा, ये भी येलो PPT देता है, ये भी येलो प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अब यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बना तो ये इससे तो हमें पता चल गया कि हमारे कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारा जो सोडियम हैलाइड बना था कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको, उसमें जब सोडियम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको जब सोडियम फ्यूजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारा कोई कंपाउंड बना, तो यदि वो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है सिल्वर के कंपाउंड के साथ तो मतलब इसमें जो हैलाइड था वो क्लोरीन था, ठीक है। अब आगे देखो,
अब यदि येलो पीपीटी दोनों के साथ बना तो इसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हम लोग एन एच फोर ओ एच डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब यदि ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड में क्या था, ब्रोमीन था। और इसको जब एन एच फोर ओ एच में डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये इनसॉल्यूबल होगा, यानी बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो येलो प्रेसिपिटेट था वो एजीआई का था, यानी इसमें आयोडीन प्रेजेंट है, कंफर्म कर देगा कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट था। अब एनसीईआरटी में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है जो कि इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन सल्फर हेलोजन ऑल, यदि सारे प्रेजेंट है तो टू टेस्ट हेलोजन, हेलोजन को टेस्ट करने के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट फर्स्ट बॉइल्ड विथ HNO3, फर्स्ट बॉइल्ड विथ कंसेंट्रेटेड HNO3। ठीक है, टू डिकम्पोज Na2S एंड NaCN। ठीक है, अदरवाइज दे इंटरफियर विथ इंटरफियर इन हेलोजन टेस्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है। देखो यदि कंपाउंड में सारे के सारे यदि प्रेजेंट है, कौन कौन, नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन, तो जब अब कोई कंपाउंड है हमको टेस्ट ही तो करना है, कोई कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, कोई कंपाउंड है अपने पास 5 ग्राम 10 ग्राम। अब इसमें यदि सारे प्रेजेंट है, कौन कौन, नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन, जब तुम इसमें लिक्विड सोडियम डालोगे, जब तुम इसमें लिक्विड सोडियम डालोगे तो क्या क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन तुरंत NaCN बना लेगा, सल्फर Na2S बना लेगा तुरंत, और वो तुरंत NaX बना लेगा। ठीक है, लेकिन अब अपने को क्या करना है कि हैलाइड का टेस्ट करना है, हेलोजन का टेस्ट करना है, हमारा मुद्दा है, हमारा एम यही है, तो हमको ये दोनों डिकम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि इनको डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ये हमारे टेस्ट के साथ छेड़खानी करेंगे। तो इसीलिए लिक्विड सोडियम के साथ ट्रीट करने के बाद जो कंपाउंड है, जो हमने इसको लिक्विड सोडियम के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास जो लेसियागने सोल्यूशन बना है इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे। ठीक है, वो नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो सिर्फ हेलोजन का कंपाउंड बचेगा, कौन, सोडियम हैलाइड। तो इसको हम आराम से टेस्ट कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, वही अपना AgNO3 डाल देंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे, तो इससे अपना या तो AgCl बनेगा, AgBr बनेगा, या AgI बनेगा। ठीक है, अब यदि AgCl बना होगा तो ये हमको व्हाइट पीपीटी दिख जाएगा, और इन दोनों के केस में येलो प्रेसिपिटेट दिख जाएगा। अब ये कंफर्म कैसे करेंगे कि AgBr था, मतलब ब्रोमीन था ओरिजिनली कंपाउंड में, कि आयोडीन था, उसके लिए ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, ये इनसॉल्यूबल होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, चलो लास्ट है अपना टेस्ट ऑफ फास्फोरस, लास्ट है अपना टेस्ट ऑफ फास्फोरस। ठीक ना, टेस्ट ऑफ फास्फोरस में क्या है, वही जो अपना सोडियम का एक्सट्रैक्ट था उसमें क्या रहा होगा, कोई कंपाउंड रहा होगा, बना होगा फास्फोरस का। ठीक है, उसमें हम क्या कर दिए, सोडियम Na2O2 सोडियम परऑक्साइड डाल दिए, सोडियम परऑक्साइड डाल दिए, वो उससे क्या बन जाएगा, Na3PO4 ये बन जाएगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग NH4OH के साथ HNO3 के साथ बॉयल कर देंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा क्या बच जाएगा, NaNO3 बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, NaNO3 में हम डाल देंगे अमोनियम मॉलिब्डेट, ये जो बना इसमें हम डाल देंगे अमोनियम मॉलिब्डेट।
NH4, इसमें हम अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देंगे, तो इसके बाद हमको येलो कलर का कंपाउंड मिल जाएगा। इसके बाद हमको कंपाउंड मिल जाएगा NH4 कोई कंपाउंड था, अब देखो, और ये कंपाउंड जो है हमें येलो कलर का कंपाउंड हमको मिल जाएगा, ठीक है, येलो कलर का कंपाउंड। तो कहानी वही हो गई, जब येलो कलर का कंपाउंड मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें वो जो कंपाउंड बना है, ओरिजिनली जो कंपाउंड था हमारे पास, जो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें जब हमने सोडियम, लिक्विड सोडियम डाला तो हमारे पास कोई कंपाउंड बना, उस कंपाउंड में जब हमने सोडियम परऑक्साइड डाला तो हमारे पास सोडियम, यदि उसमें फास्फोरस होगा तो सोडियम फास्फेट बनेगा। अब सोडियम फास्फेट बना, जब उसको HNO3 के साथ बॉयल किया तो सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है, ठीक है। फिर उसको जब हमने अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ किया तो हमारा येलो कलर का कंपाउंड बन गया, तो ये इंडिकेट करता है कि उसमें फास्फोरस प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हो गया अपना सारा का सारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जल्दी से देखो, हमने पहले कार्बन हाइड्रोजन का डिटेक्शन पढ़ा, फिर हमने नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलाइड के डिटेक्शन के लिए लैसैग्ने टेस्ट परफॉर्म किया, जिसमें हमने लिक्विड सोडियम के साथ इनको मेन कंपाउंड को हमने रिएक्ट कराया, ठीक है, जिसके तो जो भी कंपाउंड उसमें रहा होगा, मेन कंपाउंड में जो चीज़ प्रेजेंट रहा होगा उस हिसाब से हमको रिस्पेक्टिव कंपाउंड मिल गया। फिर हमने उनको अपने अपने रिएजेंट से टेस्ट कर लिया, और लैब में जो मतलब हमको कलर ऑब्जर्व होगा उस कलर के बेसिस पे हमने बताया कि इसमें ये कंपाउंड प्रेजेंट है। थैंक यू।